खबर हरियाणा के पलवल से, जहां अनाज मंडी में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने की बात आई थी सामने। गेहूं की खरीद के लिए मार्केट कमेटी की तरफ से व्यापक इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। वहीं मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि वे अपना गेहूं साफ सुथरा, सूखा और निर्धारित मापदंडों के अनुसार मंडी और खरीद केंद्र में लेकर जाएं, ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए और फसल का उचित मूल्य मिल सके। इस दौरान मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 4 से गेहूं की सरकारी खरीद होगी, जिसके लिए पलवल मंडी के लिए 4 एजेंसी लगाई गई है, FCI, फूड एंड सप्लाई, FED और HWC। जो खरीद होगी वो शेड्यूलिंग के हिसाब से होगी। ई खरीद पोर्टल से फार्मर के पास मैसेज जाएगा और जिस दिन का जो मैसेज है उस दिन ही फार्मर को आना है और अपने किसान को अपनी फसल सुखा के लानी है, क्योंकि जो मॉइस्चर की लिमिट है इस बार वो 12% है। और एक इसमें ये है इस बार कि 1 से 9 अप्रैल तक जो मंडी की कैपेसिटी है, हमारी मंडी की कैपेसिटी 40,000 क्विंटल पर डे की है, तो 1 से 9 अप्रैल तक 50% कैपेसिटी रहेगी और 10 अप्रैल से 100% कैपेसिटी रहेगी। किसानों से क्या अपील है? किसानों से ये अपील है कि वो अपना जो गेहूँ सुखा के लाएँ, क्योंकि 12% मॉइस्चर से ऊपर इस बार एजेंसियाँ उसको नहीं खरीदेंगी, तो मॉइस्चर कट का भी कोई वो नहीं है। इसलिए मैं ये अपील किसानों से, वो खरीद के लाएं और जो उनका शेड्यूल। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।